दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के प्रश्न बहुत सारे आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि बकरियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का समाधान ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको पता ना हो या हमारे चैनल के द्वारा बताया ना गया हो। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरिया का एक सुपर ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। डायरिया यानी कि दस्त। दस्त की शिकायतें अक्सर बकरियों में होती है और उस कंडीशन में हमें उसका इलाज तुरंत करना चाहिए। लेकिन कब कब? देखिए, अगर कोई बकरी जस्ट बच्चा देने वाली है और उसे अगर दस्त हो रही है तो आप अवॉइड कर दें, होने दें, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन हो रही है, अपने आप रुक जाएगी। इसके अलावा आप जब भी बकरी को दस्त करते हुए देखते हैं उसके पेट को ज़रूर हिलाइए दोनों तरफ से। अगर आप दोनों तरफ से पैर को हिलाते हैं, पकड़ करके हिलाते हैं, यानी हम एसिडोसिस एल्कलोसिस की जांच करते हैं जो हमने अलग अलग वीडियोस में आपको बता रखा है, फिर भी पता नहीं है तो आप कमेंट करना, हम आपको अलग वीडियो में जानकारी देंगे कि कैसे पता करें एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, ये क्या होते हैं विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। तो अगर एसिडोसिस या एल्कलोसिस की समस्या है तो उस कंडीशन में भी आप दस्त का इलाज ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो दस्त हो रही है वो फायदे के लिए हो रही है। इसके अलावा अगर आपको पता चल जाए कि कोई जहरीली चीज़ हमारी बकरी या बकरे ने खाई है और उस कंडीशन में भी अगर दस्त हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इन सभी दस्त को हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सब बातें जो है वो नहीं है, फिर भी दस्त हो रहे हैं या दस्त में म्यूकस से आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें कौन सा इलाज करना चाहिए? तो आज मैं आपको जो इलाज बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ पशु चिकित्सक की सलाह से ही यूज़ करें। यूनिक ट्रीटमेंट है, काम बहुत अच्छा करेगा, लेकिन आपको अपने नज़दीकी वेट की सलाह से ही इसे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप सीधे ही इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा सही नहीं रहता, क्योंकि वो है जो आपके बकरे बकरियों की पूरी ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तीन प्रकार के बॉलस है, कैप्सूल है, टेबलेट है, जो मैं आपको बताऊंगा और वो श्योर रिजल्ट वाले हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसमें नंबर वन पर है और वो है बॉलस पाबाडिन, यानी एक बॉलस है जिसका नाम है पाबाडिन। ये वैसे पाबाडिन जो होती है सल्फाडिमिडिन की बॉलस है, यानी इसमें साल्ट क्या है, पाबाडिन। तो पाबाडिन में जो साल्ट है ना, वो साल्ट है आपके सल्फाडिमिडिन, यानी सिंपल सा साल्ट सल्फाडिमिडिन है, और सल्फाडिमिडिन की आप बोलस लेके आ जाएं। ये बोलस जो है वो 5 ग्राम की आती है, तो कुछ कंपनियां इसे 0.5 ग्राम की भी देती है मार्केट में। तो आप ध्यान रखें 5 ग्राम की है या नहीं है, यानी वो 5 ग्राम की होनी चाहिए ना कि 0.5 ग्राम की, यानी इसे ध्यान रखिएगा, ये नहीं होनी चाहिए। आपको 5 ग्राम वाली लेनी है और आधी बोलस, यानी आधी बोलस देंगे, किस बकरी को देंगे, जो कि 20 किलो से बड़ी है। अगर 20 से छोटी है तो हम 1/4 कर लेंगे, 20 से बड़ी यानी 20 से 40 किलो पर आप आधी बोलस देंगे, नंबर वन ये काम करेंगे। और इसे बीडी देंगे भाई, यानी दिन में 2 बार देना है जब दस्त की शिकायत हो। इसके बाद इसके साथ में जो ऐड करना है, जो कि थोड़ा सा ट्रैक से मैं हट के बोल रहा हूँ, क्योंकि दो ही प्रकार की एंटीबायोटिक गोलियाँ साथ देना गलत होता है, फिर भी बेटर रिजल्ट के लिए अगर आपके पशु चिकित्सक रिकमेंड करें तो उस कंडीशन में आप ये भी दे सकते हैं, जिसका नाम है टेबलेट OZ, और ये मार्केट में हुमन की आती है, ऑफलो OZ लिख लीजिए, ऑफलोटास OZ आती है, मतलब कई नामों से आती है, लेकिन OZ होना चाहिए, यानी इसमें जो साल्ट है वो ऑफ्लोक्सासिन और ओरनिडाजोल होना चाहिए। तो ऑफ्लोक्सासिन और ओरनिडाजोल वाली साल्ट वाली कोई सी भी टेबलेट आप लेके आ जाए, ये 700 mg की आती है। तो 700 mg वाली जो टेबलेट है वो 20 किलो पे, 20 से लेकर के 30 किलो तक एक टेबलेट दी जाती है, ये ध्यान रखना। यानी कि 700 mg जो है वो दिया जाएगा 20 से लेकर के और 30 kg बॉडी वेट पर हम इसे देंगे, और इसे भी BD देंगे, जैसे सल्फा दिया था उसी के साथ इसे ऐड करके, मतलब एक साथ ही मिला करके, और आप दे दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। ये शुरुआत में आपको 2 टाइम देनी है, सुबह दी और शाम को दी। अगर आराम मिल गया तो वेल एंड गुड, इसे ही 2 टाइम और दे दीजिए, लेकिन अगर आराम नहीं मिला तो फिर तीसरे टाइम
इसमें आप डायरेक्ट गोली मिलाइए। कौन सी मिलाएंगे? तीसरी जो गोली मिलाएंगे उसका नाम है डायरेक्स। ये डायरेक्स जो गोली है ये हिमालया कंपनी की आती है, बहुत ही शानदार गोली है और हर जगह उपलब्ध हो जाती है। इसकी जगह आप नेवलोन पाउडर ले सकते हैं, इसकी जगह आप डायरोक पाउडर ले सकते हैं, तो कोई सा भी ले सकते हैं। ये गोली सेम यही डोज जो हाफ बीडी वाली जो डोज मैंने बताई थी ना, हाफ बोलस, ये 20 से 40 किलो पर, तो यही डोज आपको पावाडिन के हिसाब से ही देना है। इसे भी आप बीडी कर दें, बस तीसरे टाइम से इसे शुरू कर दें। अगर ये दो टाइम लग गई तो श्योर रिजल्ट मिलेगा और किसी भी प्रकार की जो दस्त है उसे तुरंत ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इनसे ठीक नहीं होती है तो फिर जाया जाएगा इंजेक्शन की तरफ, जो आपके पशु चिकित्सक लगा देंगे।